नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब सर्कस में, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, यदि आप खुश रहेंगे लाइफ में, पॉजिटिव रहेंगे, तो संपन्नता अपने आप ही घर में आती है। हमेशा स्वच्छ रहें, निर्मल रहें, कोमल रहें, झूठ ना बोलें, दगाखोरी ना करें, स्वार्थी ना बने। ये तमाम वो लक्षण हैं जो जीवन को तबाह कर देते हैं। जिंदगी में हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करें, सच्चा बनने की कोशिश करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को एक मजबूत सुख खुशी देकर के जाती हैं। दोस्तों, रविवार के दिन है वरुधनी एकादशी, 16 अप्रैल रविवार। ये एकादशी अपने आप में बहुत मायने रखती है, जन्मों के पापों को काट देती है। जो लोग पूरे नियम से आज के दिन व्रत रखते हैं, पीले कलर के कपड़े पहनते हैं, भगवान नारायण का गुणगान गाते हैं, पीले फूल घी के दिए को अर्पित करके, पीले कलर की मिठाई अर्पित करके भगवान नारायण की जो सेवा पूजा करते हैं, आज के दिन भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, उन व्यक्तियों की तमाम इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाती है। जिंदगी से गरीबी, कलेश, ये तमाम चीजें चली जाती हैं। आज के दिन भगवान के वराह स्वरूप की पूजा होती है, जो भगवान वराह स्वरूप लेते हैं और तमाम भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं। भगवान तो तरह तरह के रूप लेते रहते हैं, लेकिन अमुक दिनों में उनके अमुक रूप की पूजा होती है। आज के दिन भगवान के इस रूप की पूजा होती है, भगवान के वामन स्वरूप की पूजा होती है। कोई भी प्रकार का गलत कार्य ना करें। जहां पर भी ज्यादा कछुए हो, मछलियां हो, वहां जाकर के गेहूं के आटे की गोलियां डालें, गायों को चारा खिलाएं, गरीबों को तमाम प्रकार का अनाज और कपड़े का दान करें। दूध का दान करने से भी दोस्तों घर में लक्ष्मी का आविर्भाव होता है, भगवान कुबेर की आपके ऊपर कृपा उतरती है। वैसे भी दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी उन्हें कभी पितृदोष नहीं तकलीफ देता। पितृदोष आपकी लाइफ में ढेरों तकलीफों को लेकर के आता है। यदि आज के दिन आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, मतलब यही एकादशी नहीं, तमाम एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं, उनकी लाइफ में यूं ही तकलीफें नहीं आती, सुख और समृद्धि आती है। और आज के दिन एक चीज का, जिसका दान करने से दोस्तों लाइफ में जबरदस्त सुख और समृद्धि आती है, शुक्र मजबूत बनते हैं, वो चीज है खरबूजा। वरुथनी एकादशी वाले दिन खरबूजा का दान व्यक्ति को धन धान्य से परिपक्व बना देता है, संपन्न। आज के दिन घर में खरबूजा लगाना चाहिए। जो लोग आज के दिन खरबूजे की वेल लाकर के घर में लगाते हैं, जब तक वो वेल लगी रहेगी, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। ये उपाय मैंने पहले भी बताया था कि शुक्रवार के दिन यदि खरबूजे की वेल आप घर में लाते हैं और लगाते हैं, तो उससे किस्मत चमक उठती है। खरबूजे की वेल आपकी किस्मत को चमका देती है, घर में धन धान्य को लेकर के आती है, शुक्र को मजबूत बनाती है, गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ प्रदान करती है। आप देखना, कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं ये वाला पेड़ हमने घर में लगाया उसके बाद बर्बाद हो गए, ये वाला पौधा घर में लगाया उसके बाद आबाद हो गए, क्योंकि उसके जो गुण है, लक्षण है, वो अपनी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी कंटिन्यू घर पर छोड़ते रहते हैं। तो आज के दिन इस चीज का दान करें, गरीबों में खरबूजे का जितना हो सके उतना दान करें, घर में भी खरबूजा लेकर के आए, खरबूजा खाएं। आज के दिन खरबूजे का भगवान को भोग लगाएं, आप देखेंगे कोई ऐसी आपकी इच्छा नहीं होगी जो अधूरी रह जाए, पैसों से जुड़ी हुई करके देखेंगे। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर को डायल करें जो चालू वीडियो में फ्लैश हो रहा है। जय श्री कृष्ण।